के सेंटर पॉइंट होटल में एक दैनिक अखबार की ओर से वुमन समिट 2022 का आयोजन किया गया। इस मौके पर समाज में अच्छा काम करने वाले दर्जनों महिलाओं का सम्मान किया गया। शहर के सेंटर पॉइंट होटल में एक दैनिक अखबार की ओर से वुमन समिट 2022 का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में शहर के कई अच्छे सामाजिक काम करने वाली महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद थी। कार्यक्रम की शुरुआत में दीप प्रज्वलन के साथ ही मंच पर मौजूद महाअनुभवों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। अपने भाषण में बात करते हुए सामाजिक कामों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले बोबड़े मैडम ने बताया कि भले ही आज हर क्षेत्र में महिला पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हो, बावजूद इसके आज भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें हर पल संघर्ष करना पड़ता है, घर वालों के ताने सुनने पड़ते हैं। अगर कोई महिला किसी अच्छा काम करने चाहती है तो उसमें भी रोड़े डाले जाते हैं, उसके काम में खलल पैदा की जाती है। तब ऐसा लगता है कि भले ही देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो रहे हो, लेकिन महिलाएं आज भी पूर्ण रूप से आजाद नहीं है। जीवनाच्या विविध क्षेत्रामध्ये म्हणजे पुरुषांच्या बरोबरीने खांद्याला खांदा लावून आज महिला प्रत्येक ठिकाणी आघाडीवर आहे असे दृश्य दिसत असेल तरी ते अजूनही स्वतंत्र आहे का, हा एक प्रश्न सरकारी पातळीवर किंवा सामाजिक स्तरावरती ह्याच्यावरती काम व्हायला हवंय। 2011 जी वुमेन समिटच्या पहिल्या पर्वात बेटी बचाओ मोहिमेला सुरुवात करण्यात आली। स्त्री भ्रूण हत्येविरुद्ध लढा देणाऱ्या सेव्ह द गर्ल चाईल्ड या चळवळीला बळ देण्यात आलं। 2012 परिषदेमध्ये महिला सबलीकरणावर चर्चा करण्यात आली। महिला उद्योजकता वाढीचे वातावरण, ग्रामीण भारतात महिला रोजगाराच्या संधी। NBC न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ संजय मीरे की रिपोर्ट।